हेलो साथियों, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो वह है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आप सुने होंगे, जिसका हिंदी में अर्थ है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि कोई भी वाक्य में बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं हो, इसके लिए ही हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ताकि वाक्य की सुंदरता में किसी तरह की कोई कमी ना हो। मतलब कि वाक्य को देखने में, पढ़ने में क्या हो, एक अच्छी अति सुंदरता लगे, इस तरह, इसलिए हम नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यह देखिए, पॉइंट देखते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम जिसको बोलते हैं, हिंदी में होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? तो प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन वही है इंग्लिश में वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी वर्ड शब्द जो यूज करते हैं कहाँ, तो प्लेस ऑफ नाउन के बदले में। आगे नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तो प्रोनाउन बोलते हैं। अगला, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन को जो बार बार रिपीटेशन हो, कोई भी वाक्य में नाउन को यदि बार बार प्रयोग हो रहा है, तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ताकि वाक्य की सुंदरता खत्म। यदि नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य क्या होती है? सुंदरता खत्म हो जाती है, इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, मिस्टर शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, सी, तो सी किसके लिए है? मिस्टर शुक्ला के लिए। तो सी इज लाइक्ड बाई ऑल द स्टूडेंट। तो यहाँ सी हटा दें, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नाउन का स्थान। यानी कि नाउन के स्थान पर क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और ना ही कि नाउन का प्रयोग करती है, बात बताया गया। आगे देखते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसा पहला है कि पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे आई हुआ, मी हुआ, आई मी बी अस यू ही हिम सी हर इट दे देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई मी बी अस, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। अस भी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में है। यू ही सी इट हर इट, ये सारे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। दे देम। आगे पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन को बोलते हैं अधिकार वाचक सर्वनाम। जिसका इसमें पोसेसिव प्रोनाउन में कुछ शब्द है, जैसे माइन हुआ, आवर हुआ, योर्स हुआ, हीस हुआ, हर्स हुआ, देयर्स हुआ। तो ये माइन, आवर्स, योर्स, हीस, हर्स, देयर्स, ये सारे क्या पोसेसन दिखाने का अर्थ करता है। मतलब कि अपना, मतलब कि अपना है मेरा, माइन, दिस कार इज माइन, आवर्स, ये सारे क्या पोसेसन दिखाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं अगला, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाम क्या बोलते हैं? संकेत वाचक सर्वनाम। जैसे हुआ दीस, टी एच आई एस वाला, दीस, डैट, दीस, दोस, ये सारे। दीस का प्लूरल क्या हुआ? डैट। दीस का ये टी एच ई एस सी वाला का, दीस का, तो दोस हो जाएगा। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाम। अगला मेरा चौथा प्रोनाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाम को बोलते हैं बेसिस्ट वाचक सर्वनाम। बेसिस्ट वाचक सर्वनाम जैसे ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, एवरी हुआ, नन हुआ, एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाम। अगला रेसिप्रोकल प्रोनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाम को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। जैसे ईच अदर, वन अदर, अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये क्या हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाम हुआ। अगला ऐसा थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाम को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे माई सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ, योर सेल्फ हुआ, योर सेल्फ, ये सिंगुलर, ये माई सेल्फ हुआ सिंगुलर फॉर्म में, तो ये आवर सेल्फ हुआ, ए सी एल भी एस लग गया तो प्लूरल फॉर्म में, योर सेल्फ तो योर सेल्फ इसका प्लूरल हुआ, हिमसेल्फ तो हर सेल्फ हुआ, हिमसेल्फ मेल के लिए तो हर सेल्फ फीमेल के लिए, इट सेल्फ न्यूटर के लिए, देम सेल्फ हुआ, वन सेल्फ हुआ। आगे देखते हैं अगला है हमारा एम्पैथेटिक और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। मतलब एम्पैथेटिक से पता ही चलता है कि एम्फैटिक, मतलब उसमें जोड़ देना, और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन यानी दबाव सूचक सर्वनाम। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ए सी एल वी वाला सिंगुलर होता है, ए सी एल वी एस वाला प्लूरल हो जाएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, तब ये एम्फैथेटिक, कर्ता पर क्या करता है? दबाव डालने का काम करता है, ये एम्फैथेटिक या एम्फेसिसिंग प्रोनाउन कहलाते हैं।
जैसे बोले यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ये सारे क्या हुआ एम्फेथेटिक और एम्फेसिसिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन को बोलते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम, जिसको जिसके साथ एवरीबडी यदि आए, समबडी आए, नोबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी कहने का तत्पर है कि कोई भी हो सकता है, मतलब अनिश्चय, कोई डेफिनेट व्यक्ति नहीं है, एवरीबडी हो सकता है, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यूलिटी। ये इंडेफिनिट, इंडेफिनिट से समझना, डेफिनिट तो आप समझोगे, डेफिनिट एक डेफिनिट होता है क्या, इंटीग्रेशन, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का होता है डेफिनिट में तो एक लिमिट होता है, इंडेफिनिट नहीं मतलब अनिश्चय हुआ, उसी से रिलेटेड यहाँ इंडेफिनिट। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, एवरीबडी मतलब कोई व्यक्ति को हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होकर इंडेफिनिट है। अगला रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हु आया, पर्सन के लिए हुम, हुस, विच, डाइट इत्यादि, ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हु का पर्सन के लिए हुम, उसका ऑब्जेक्टिव है हु का हुस हो गया, फिर विच नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, डाइट होता है। अगला इंटोग्रेटरी प्रोनाउन, इंटोग्रेटरी प्रोनाउन को बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे में हु, होम, हुस, बीच इत्यादि, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कोई भी वाक्य में, सेंटेंस में यदि प्रश्न पूछना हो तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और जब रिलेशन दिखाना हो, संबंध दिखाना हो, तो क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बारी बारी से एक को सर्वनाम के जो विशेषण प्रोनाउन का जो एक भाग है वर्गीकृत किया गया है उसके पार्ट को बाई पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसके बारे में थोड़ा दिया गया है, द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म का जिक्र किया गया है। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई होगा तो प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट बी होगा। फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट के केस में मी होगा तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्ट में अस होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव में फर्स्ट पर्सन में माई होगा सिंगुलर फॉर्म में तो प्लूरल फॉर्म में आवर होगा। और फर्स्ट पर्सन में पोसेसिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में माइन होगा पोसेसिव प्रोनाउन तो आवर्स होगा प्लूरल फॉर्म में। उसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी यू, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव में योर होगा और पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स होगा, यानी योर के साथ एस लग गया तो पोसेसिव प्रोनाउन हुआ सेकंड पर्सन का फॉर्म। अगला है थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में देखें तो इस सी ही ईट होता है, और ऑब्जेक्ट में सी का हर हो गया, ही का हिम, ईट का ईट हो जाएगा। और उसी तरह प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट में देखें तो दे होता है और ऑब्जेक्ट में देखें तो देम होता है। और उसी का जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म में पोसेसिव ऑब्जेक्टिव में देखें तो हर हिस ईट्स होता है, हर हिस हिट होता है, क्या होता है, हर, सी का हर, ही का हिस होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम होता है। और प्लूरल में देखें तो देयर होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन में देखें तो हर्स हुआ, हिस हुआ, क्या हुआ, हर्स हुआ, हिस हुआ, और प्लूरल में देखें तो देयर्स हुआ। तो आगे देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा साथियों, आगे बारी बारी से देखते हैं, चलते हैं। देखिए ये सभी प्रकार के प्रोनाउन को आप विस्तृत से देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखें थे पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं, वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन अभी देखें, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलेंगे साथियों, तो वह प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं उसके क्या बोलते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस कहने का अर्थ है सब्जेक्टिव केस, जिसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट में यदि नॉमिनेटिव केस में आई आया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी, और यदि सब्जेक्टिव केस में सी आया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा सी का हर होता है, दे का। यदि नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और यदि ऑब्जेक्टिव केस में इसका देम आता है, बी यदि नॉमिनेटिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस आएगा। नॉमिनेटिव केस में ही आया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हीम, ईट का नॉमिनेटिव केस ईट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी ईट आएगा, और नॉमिनेटिव केस यू में तो ऑब्जेक्टिव केस यू आएगा।
तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब रूल हम देखेंगे बारी बारी से। रूल वन कहता है किसी सब्जेक्ट के वर्ब के पहले, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस है, उसके वर्ब के पहले पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नोमिनेटिव केस में होता है। अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो एडजेक्टिव केस में होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट, यदि वर्ब के पहले कोई वर्ब है, कोई सेंटेंस में वर्ब है, उसके पहले यदि जो प्रयुक्त होता है तो उसको बोलते हैं नोमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, और जो वर्ब के बाद जो प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि आई टीच हिम, तो आई टीच यहाँ क्या हुआ, वर्ब हुआ, भीवन हुआ, तो टीच के पहले आई क्या है, तो नोमिनेटिव केस है, यानी कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस है। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब के पहले है। ये सिंपल सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, इसमें आसानी से पकड़ा गया, और बड़े में भी बड़े में दिखना पड़ेगा आपको ध्यान से। इसी तरह हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही के, क्योंकि वर्ब क्या है, तो टीच है, टीच के बाद क्या है, टीच के बाद हिम है, तो टीच के बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव वॉइस हुआ। आगे पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, और वह नोमिनेटिव केस में आता है, यानी और उसका ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो ही आया, ही टीच क्या है, वीवन है, तो इसके लिए ये वीवन क्या हो जाएगा, इस प्लस वी थ्री में चेंज होगा, तो इस प्लस थॉट बाई मी, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, थॉट है, तो थॉट के पहले क्या आएगा, थॉट, मतलब कि जो वर्ब के पहले क्या आता है, तो वर्ब के पहले भी बोलें कि सब्जेक्टिव केस आता है, यानी नोमिनेटिव केस आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस को ही नोमिनेटिव केस कहते हैं, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये यहाँ भी वही आया, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर एक हम समझ गए कि जब वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो नोमिनेटिव केस में होता है, और वर्ब के बाद जब प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है। आगे देखते हैं रूल टू में, जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो, जब विभिन्न प्रोनाउन क्या हो, बहुत सारे प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो, और किसी बुरी बात का आभास ना हो, किसी बुरी बात का आभास ना हो, मतलब उसमें निगेटिव बात का जिक्र नहीं किया गया, तो उन्हें दो तीन के क्रम में लिखते हैं। दो तीन करने का मतलब सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, हीट क्या हुआ, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, एंड आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। उसी तरह ही थर्ड पर्सन, यदि दो तीन एक में, यदि दो तीन तीनों दिया हो तो दो तीन एक, यदि दो दिया हो तो तीन एक लिखेंगे, मतलब कि दो तीन से स्टार्ट होगा। उसी तरह सेकेंड पर्सन यू एंड ही, यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस में यदि तीनों प्रोनाउन दिया हो तो उसको दो तीन के फॉर्म में लिखते हैं, दो तीन एक के फॉर्म में, यानी दो तीन का एक करने का मतलब है कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। आगे देखते हैं रूल नंबर थ्री है, एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो अथवा कोई बुरा बात कही गई हो, यानी कि कोई एक ही बात में विभिन्न प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग किया, विभिन्न प्रकार का प्रयोग करने का मतलब तीनों प्रकार का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसमें दोष का स्वीकार किया गया, दोष मतलब दोष या बुरी बात कहा गया, तो यह प्रोनाउन एक दो तीन के क्रम में लिखा जाएगा, मतलब उसका उल्टा। उसमें क्या था कि तीनों प्रोनाउन का प्रयोग किया गया लेकिन क्या, दोष मतलब कि उसमें बुरी बात नहीं कही गई हो, लेकिन तो उसमें क्या करते थे, दो तीन एक, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। जैसे आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर, ब्लंडर क्या होगा, एक मिस्टेक हो गया, मतलब कि निगेटिव हो गया, तो मेड ए ब्लंडर। उसी तरह यू एंड ही, तो यू क्या हुआ, सेकेंड हुआ, ही क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, हैव डन द मिसचीफ। तो आगे देखते हैं रूल चार में, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन एक दो तीन के क्रम में होना चाहिए, यानी पहले जब प्रोनाउन जब दिया हुआ बहुवचन में, अभी ऊपर हम सारे देख रहे थे क्या था, सिंगुलर में प्रोनाउन विभिन्न प्रकार का था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन था, लेकिन जब बहुवचन में है तो ये सारे सिंगुलर में थे, अब हम देख रहे हैं कि इसमें प्लूरल में है, तब क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। जैसे बी, यू, दे, शुड, गो, नाउ, गेट डाउन टू वर्क, तो आई का मी, बी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म फर्स्ट पर्सन का,
यू क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, क्योंकि सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू आता है, तो ये भी प्लूरल फॉर्म हुआ सेकंड पर्सन का। और दे क्या हुआ, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म। तो ये सारे एक दो तीन का रूल पालन करेगा, बी हुआ फर्स्ट पर्सन का, यू सेकंड पर्सन का, और दे थर्ड पर्सन का। तो ये क्या रूल पालन किया, ये किया वन दो तीन का नियम लालो नियम को पालन करता है। तो याद रखिएगा कि जब प्लूरल फॉर्म में तीन, जब तीनों प्रोनाउन जब प्रोनाउन बहुवचन में हो, प्रोनाउन एक, तो एक दो तीन का क्रम पालन करेगा। जब प्रोनाउन का तीनों पार्ट दिया हुआ, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ, सेकंड पर्सन दिया हुआ, थर्ड पर्सन दिया हुआ, और क्या दिया हुआ साथियों, प्लूरल में दिया हुआ, तो एक दो तीन का लागू करेंगे। और यदि तीनों प्रोनाउन दिया हुआ लेकिन सिंगुलर में हो, तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। और दूसरा एक और नियम क्या देखें, कि तीनों जब सिंगुलर फॉर्म में हो लेकिन दो सिद्धि वाला बात हो, मतलब उसमें बुरा बात बोलता गया, तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, एक दो तीन। ये भी याद रखिएगा तीन तरीके से। आगे देखते हैं, लेट लाइक, रूल नंबर फॉर लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि लेट, कोई सेंटेंस में लेट आया, लाइक आया, बिटवीन आया, बट आया, एक्सेप्ट आया, एवं प्रीपोजिशन, एवं प्रीपोजिशन के बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट आया, लेट के बाद अभी देखेंगे कि लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो यहाँ मी ये सही होगा। उसी तरह देर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, देर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, तो यहाँ पर क्या होगा, नो प्रॉब्लम बिटवीन, बिटवीन के बाद अभी क्या बोले कि हम लोग लेट के बाद, लाइक के बाद, लेट हुआ, लाइक हुआ, बिटवीन हुआ, बट हुआ, एक्सेप्ट हुआ के बाद, एवं प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो बिटवीन यहाँ पर यूज हुआ, तो देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई नहीं हुआ। सी क्या हुआ, थर्ड पर्सन का प्लोरनाउन हुआ और सिंगुलर फॉर्म हुआ। आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन का प्लोरनाउन हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का हर होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी होता है, तो इसलिए गलत है। यहाँ अगला है, एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। एवरीबडी, एवरीबडी बट, तो बट के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, यहाँ इसलिए सही है ये। अगला है चौथा में, आई लाफ्ड एट आई, तो एट क्या है, प्रीपोजिशन है, तो एट प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस आई नहीं आएगा। तो ही लाफ्ड एट मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी होता है, तो इसलिए उसमें एरर था, तो सही क्या होगा, एट मी हो जाएगा। अगला, एवरीबडी अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट ही, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट ये प्रीपोजिशन है, तो ई एक्स ई पी टी इसके बाद प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, कौन सा है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हीम आएगा। आगे देखते हैं रूल नंबर छः में, यदि दो नोमिनेटिव के, यदि दो नोमिनेटिव के बीच तुलना हो, जैसे एस 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 के बीच में, या देन के बाद, नोमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे दो नोमिनेटिव, यदि दो नोमिनेटिव के, नोमिनेटिव केस करने का अर्थ है कि सब्जेक्टिव केस है, के बीच तुलना हो, तो एस या देन के बाद नोमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। एस या देन के बाद क्या करते हैं, नोमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। इन नोमिनेटिव केस करने का मतलब है कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, ही इज़ एज फास्ट एज मी, तो मी यहाँ पर, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं प्रयोग होगा, क्या होगा, इसको सब्जेक्टिव केस होगा। एस फर्स्ट एस तो समझ ही रहे हैं कि एस क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री, एस एस के साथ क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसका होगा, ही इज एस फर्स्ट एस आई होगा, आई मी नहीं होगा। मी क्या, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस का जो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, नोमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, तो आई होता है, तो इसलिए इस ये गलत होगा, ये वाला सही होगा, ही इज एस फर्स्ट एस आई। अगला, आई रन फास्टर देन हिम, तो फास्टर देखिए, देन फास्टर क्या हो गया, तो कंपेरेटिव डिग्री का हो गया, वो एस एस वाला क्या, आई पॉजिटिव डिग्री का बाक हो गया, तो आई रन फास्टर देन हिम नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ देखें, यदि नोमिनेटिव के बीच तुलना हो एस देन से, एस और देन से हो, तो नोमिनेटिव के बीच तुलना हो, तो एस देन के बाद नोमिनेटिव केस क्या आएगा, नोमिनेटिव के बीच क्या हो, तुलना हो, जैसे आई रन फास्टर देन हिम, तो नोमिनेटिव के बीच तुलना हो रहा है, तो हिम नहीं हो गया, ही आएगा।
आगे देखते हैं, ऊपर दिए गए उदाहरण में दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया गया, तो दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। दो सब्जेक्ट है जैसे आई रन फास्टर देन हिम, तो आई क्या है एक नॉमिनेटिव केस है और हिम क्या ही क्या है नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ देन के बाद क्या होगा, एस और देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, यही बात बताया गया है। और यहाँ पर कोई भी दो जब तुलना होगा तो दोनों नॉमिनेटिव केस के ही बीच में तुलना होना चाहिए, ये भी देखिएगा। जैसे यहाँ ही का तुलना हो रहा है तो ही क्या एक नॉमिनेटिव केस है, एक सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आगे देखते हैं नोट में, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एस देन के बाद ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो तो एस देन के बाद, एस और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं आई नो यू एस मैच एस हीम, तो आई नो यू एस मैच एस आई नो यू यू आई नो, तो दो यदि दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में जैसे यू, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आई का तुलना नहीं हो रहा है, आई नो यू तो आपको जानते हैं, एस मैच एस हीम तो यू को हीम से तुलना हो रहा है, यानी यू क्या हुआ ऑब्जेक्टिव केस हुआ और हीम को तुलना हो रहा है, इसलिए सही हो गया। यहाँ क्या था आई रन फास्टर देन हीम, आई का तुलना नॉमिनेटिव केस से ही हो रहा है यानी सब्जेक्टिव केस से ही हो रहा है। यहाँ क्या आई रन आई नो यू एस मैच एस हीम, आई मैं नो जानता हूँ आपको, यू आपको, एस मैं इतना एस हीम, तो यहाँ पर क्या हुआ ऑब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना हो रहा है, इसका अर्थ हुआ आई नो यू एस मैच एस आई नो हीम, मैं अपने आप के बारे में जितना जानता जितना आपको बारे में भी जानता हूँ, अपने बारे में जितना जानता हूँ उतना आपके बारे में जानता हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा यू का तुलना हिम से हो रहा है, ऑब्जेक्टिव की तुलना हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सही होगा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। रूल साथ में, अगर ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो, ईट